गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज असी दोहराई करांगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रार्थना दी। ठीक, प्रार्थना कविता दी दोहराई करन तो पहला एक बार असी इसका सार समझ लेंदे हाँ। सार देखो की हुंदा है कि तुसी कविता नू पढ़िया, उसनू समझिया ते उसदी एक समरी तैयार कीती। ठीक है, उस विच कदी भी एक एक लाइन नू आपां उसकी व्याख्या नहीं करते। ठीक है, पढ़ के जो थानू समझ लगा उसनों एक पैरे दे विच तुसे लिखना है, वह हुंदा है थोड़ा सार, राइट। सो इस कविता विच की कहा गया है कि प्रार्थना कविता विच बच्चे परमात्मा तो वरदान मंगते हैं कि असी पढ़िए लिखिए ते अगे वधिए अते महान काम करिए। ठीक है, ते हमेशा मानवता दी लोकां दी सेवा करिए। किस तरह की सेवा? बिना लालच तो कीती गई सेवा। ठीक है, फिर तुसी लिखोगे कि साडे विच मेरे तेरे की भावना ना रहे, सगो हर एक नू आपां एक बराबर समझना है। ठीक, ते हर किसी दे असी कम आना है, जिहड़ी तां ही साडी कमाई है वह वधेगी, राइट। उस तो बाद तुसी लिखना है कि सानू हमेशा समय की कदर करनी चाहिए है, क्योंकि समा बहुत मुलवान है। ठीक है, ते जे असी समय की कदर करांगे, लोकां दी सेवा करांगे, ते आले दुआले की है प्यार फैलेगा, मिठी मिठी खुशबू आवेगी। खुशबू के दी भाईचारे की, आपस में भरावां वांगू रहण वाले उन्हां दी खुशबू आवेगी। ठीक है, सो ये है सार पूरे पोएम नू पढ़न तो बाद विच जो तुसी लिखदे हो। ठीक है, तो उस तो बाद विच असी शब्द अर्थ कर लैने हाँ। देखो, सिरजणहारा परमात्मा, मानवता दी मनुखता दी, निष्काम बिना लालच तो बिना स्वार्थ तो, रोसा गुस्सा भी हो सकता है, नाराजगी भी हो सकता है, दून सवाया ढाई गुणा बदना, कोई चीज इनक्रीज हो जानी, रुखा कौड़ा मेर ते अपने ते पराए दा भाव, होमे हंकार खुशबोई महक। ठीक है, उस तो बाद विच क्वेश्चन देखो, केहड़ियां गल्लां दे मुक जाण दी गल कीती गई है। सो केहड़ियां गल्लां दे मुक जाण दी गल कीती गई है? मेर तेर दियां गल्लां दे मुक जाण दी गल कीती गई है। ठीक है, कि मेरा तेरा ना रवे, सगो सब दा इक सांझा होवे जो भी होना है। चार दिशावां विच्चों किस ते आउण दी गल कीती गई है? किस ते आउण दी? फुल्लां दी खुशबोई, क्योंकि जे साडे विच होमे नहीं रहेगी, ईगो नहीं रहेगी, ते हर पासे दी सानू एक प्यार दी खुशबू आवेगी। ठीक है, जिस तरह फुल्लां दी खुशबू आती है। जे कोई सानू आवाज़ लगाए तो सानू की करना चाहिए है? हमेशा उसते काम आना चाहिए है, उसकी मदद करनी चाहिए है। प्रार्थना कविता विच किस चीज़ की कदर पाउण दी गल कीती गई है? समय दी। ठीक है, क्वेश्चन देखो, प्रार्थना कविता विच बच्चे किस अगे अरदास करते हैं? किस अगे करते हैं? हाँ जी, परमात्मा अगे अरदास करते हैं। तो ना तुसी भी लिखोगे कि अरदास दे विचों कहिंदे हन कि हमेशा असी पढ़िए लिखिए ते अगे वधिए अते मानवता दी सेवा करते रहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, बच्चे केड़े केड़े चंगे काम करना चाहते हैं? केड़े केड़े? लोकां दी सेवा करना चाहते हैं, अगे वधना चाहते हैं। ठीक है, तीसरा है, केहड़ियां माड़ियां चीज़ां नूं मिटाउण दी गल कीती गई है? केहड़ियां माड़ियां चीज़ां? मेर तेर दी भावना, मतलब कि मेरे तेरे दी भावना नूं मिटाउण दी गल कीती गई है। किस तरह दे बोल बोलण लई कहा गया है? मिठे बोल बोलण लई कहा गया है। सानूं हर एक दे नाल मिठा बोलना चाहिए है, कदे भी कौड़ा नहीं बोलना चाहिए। मिठा बोलने के नाल सारे पासे किस तरह की खुशबू आएगी? प्यार की खुशबू आएगी। ठीक है, सो तुसी इसी प्रैक्टिस जिहड़ी है वो अपनी रफ नोटबुक ते करनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।